शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये ग्लूकोज की एक बोतल में सिर्फ 10 ml मिक्स करो तो 10 मिनट में the end। संयुक्त भाभी, अब अपने प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। वो वंश का कमरा है, मगर जरा होशियारी से, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक बार मुझे मेरे वंश के पास ले चलिए। तुम यहाँ आराम करो, मैं मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ, अब वो ही तुम्हें समझाएंगी। समझ में नहीं आता आखिर इस घर में हो क्या रहा है। वंश की तबीयत इतनी खराब है और शील कुमार ने अंबिका भाभी को भदरवा जाने का फरमान सुना दिया, और वो भी बेबुनियाद इल्जाम लगाकर। आखिर शील कुमार ऐसा क्या करने वाला है जो उन्होंने अंबिका भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। मम्मी जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, वैष्णवी की हालत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? मम्मी जी, उसने अभी तक अपना करवा चौथ का व्रत नहीं खोला है। जिद करके बैठी हुई है कि जब तक पंच भैया उसे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाएंगे वो व्रत नहीं खोलेगी। मम्मी जी, आप ही उसे समझाइए ना, शायद आपकी बात मान ले। चलिए मम्मी। ये कौन है? ये करण है, गौतम, नताशा का कजन। एक्चुअली नताशा वंश से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इनको वंश का कमरा दिखाने आई हूँ। आखिर वंश ने नताशा से शादी की है ना, फिर मैं कैसे रोक सकती हूँ उन्हें, है ना? क्या हुआ, आप परेशान से लग रहे हैं। नहीं, कोई खास बात नहीं। दरअसल मैं वंश को लेकर थोड़ा परेशान था, उसकी हालत ठीक नहीं है ना, तो नताशा आप लोग अंदर जाइए। जी। वैष्णवी बेटा, देखिए ना मम्मी जी, मैंने इसे खाना खिलाने की कितनी कोशिश की, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। बस तब से एक ही बात की रट लगाई हुई है, मुझे वंश के पास ले चलो, वंश के पास ले चलो। अब आप ही बताइए मम्मी जी, मैं क्या करूं, कैसे इसका व्रत खुलवाऊं? इस वक्त इसे समझाने से कोई फायदा नहीं, ये अपने होश में नहीं है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम इसके साथ रहना, इसे अकेला मत छोड़ना। जी मम्मी जी। संयुक्ता, तुम जो भी करो अच्छी तरह से सोच समझ के करना, कहीं बात बनने के जगह बिगड़ गई ना तो हम दोनों इस घर में रहने के लायक नहीं रहेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गौतम, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम पर तो मुझे पूरा विश्वास है संयुक्ता, लेकिन ये इस लड़की पर नहीं। इस लड़की को घर में लाकर तुमने अच्छा नहीं किया संयुक्ता, पता नहीं लेकिन इस लड़की के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। एक अजीब सी चमक थी इसकी आंखों में। ऐसा कुछ भी नहीं है गौतम, आप खामखा डर रहे हैं। नहीं संयुक्ता, कुछ तो है, मेरा मन मुझसे कह रहा है कि ये लड़की भरोसे के लायक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो संयुक्ता कि हम एक मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए दूसरी मुसीबत गले लगा लें। आप भी ना गौतम,
बिल्कुल बिल्कुल भोले बन रही हैं। अरे हम लोग सड़क पर चलते हैं, किसी जानवर को पुचकार लिया तो क्या हमने उसको अपना बना लिया? उसके सामने थोड़ी खाने की चीजें डाल दी या बिस्किट डाल दिया, बस उसको खुश कर दिया, आगे निकल गए। मेरे लिए नताशा भी वही है। मैं उसे गली के कुत्ते की तरह समझ रही हूँ। वो मेरे लिए वैष्णवी को इस घर से बाहर निकालने का एक मोहरा भर है। जैसे वैष्णवी इस घर से बाहर गई, नताशा भी। अब समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? नताशा और करण कहाँ रह गए? मोक्ष बेटा, बेटा वैष्णवी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। मोक्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मोक्ष, बहुत हो चुका इस तरह से मूक दर्शक बनकर तमाशा देखना। शील कुमार ने भाभी को वैष्णो देवी भेज दिया है, मुझे लगता है उनके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि शील कुमार कुछ और करे, कोई नई चाल चले, हमें कुछ करना होगा। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि हर बार की तरह इस बार भी शील कुमार बाजी जीत ले और हम चुपचाप खड़े तमाशा देखते रह जाए। बेफिक्र रहो माँ, मैं हूँ ना, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप बस जाओ माँ और डॉक्टर को बुला के लाओ, बाकी सब मैं यहाँ पे संभाल लूँ। और देखना माँ, आज की रात शील कुमार के परिवार पर बहुत भारी पड़ने वाली है। मतलब? मतलब तो कुछ नहीं माँ। माँ आप इस सब में मत पड़ो, आप सिर्फ तमाशा देखो। इस तमाशे का सूत्रधार मैं हूँ। आप बस डॉक्टर और नर्स को लेकर वैष्णवी के पास जाओ, क्योंकि आपका ऐसा करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा माँ। वैष्णवी, होश में आओ वैष्णवी, संभालो अपने आप को। वंश के पास ले चलो। वंश को तुम्हारी जरूरत है वैष्णवी। मुझे मेरे वंश के पास ले चलो। आइए मुझे देखिए इसे। वंश, वंश। इनकी हालत तो बहुत खराब हो रही है, पल्स रेट भी बहुत लो है, हमें ग्लूकोज देना पड़ेगा। सिस्टर फटाफट डिप तैयार करो, हमें ग्लूकोज चढ़ाना है। लेकिन डॉक्टर साहब, वैष्णवी का तो करवा चौथ का व्रत चल रहा है। देखिए अगर इन्हें ड्रिप नहीं चढ़ाई तो इनकी जान भी जा सकती है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए।
वैष्णवी को बिना बताए उसका व्रत खोलना क्या सही होगा? देखिए आपकी तबीयत बहुत खराब है इसलिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा प्लीज। नहीं, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे जाना ही यहाँ से, छोड़ दीजिए मुझे। प्लीज इन्हें रोको। वैष्णवी संभालो अपने आप। वैष्णवी 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 प्लीज संभालो। मैं सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा व्रत भंग मत कीजिए। वैष्णवी मैंने अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखा है, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। आप लोग मेरी जान बचाने के लिए मेरा व्रत मत भंग कीजिए।